हम दोनों मिले एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में एंड हम दोनों के बीच में लाइक सिंस इवन आई हैव कम फ्रॉम अ वन रियलिटी शो तो हम दोनों के बीच वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल था. सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे कि लोगों को क्या मिथ है कि जो शो में दिखाते हैं इंसान वैसे ही असली है, जबकि ना विवेक वैसे थे और ना मैं वैसी थी. तो जब हम दोनों एक टेबल में बैठे वी शेयर सो मेनी थिंग्स कि कैसे क्या है नहीं, देन वी रियलाइज हम दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं. सो द बेस्ट थिंग वही चीज़ हम लोगों को अट्रैक्ट कर गई, तो वही रियलिटी शोज, दूसरी चीज़ बॉन्डिंग, तीसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल. आज की डेट में शायद मियाँ खुद को इतना अच्छे से नहीं जानती होंगी जितना विवेक मियाँ लाकर को जानते हैं. देखिए अगर मैं कैमरे पे बता दूं क्या स्पेशलिटी क्या खास है तो वो सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा, बट आई एम श्योर मियाँ ने भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करा होगा. बट हाँ, कुछ जैसे वैलेंटाइन की लाल रंग की कलर थीम होती है, और मेरे हिसाब से वैलेंटाइन डे वो नहीं होता कि आपने एक फूल का गुलदस्ता दिया, एक केक काटा और सारी यू नो खाना पूर्ति हो गई. आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, उसको ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट देने चाहिए जो आपकी जो उसने आपके चंद लम्हे चंद महीने चंद साल आपके साथ गुजारे हैं, तो उसमें वो जो भी आपके बीच ऐतिहासिक या रोमांटिक पल रहे हों उनसे उनको दोबारा जिया जा सके. मैं इंटर क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा सरप्राइज सरप्राइज, अगर मैं अभी बोली तो क्या रहेगा, बट येस डेफिनेटली आई एम प्लानिंग समथिंग रियली स्पेशल. बिकॉज खैर हम लोग के बीच में तो लव और गिफ्ट एक्सचेंज डेली डेली होते हैं, बट 14th इज समथिंग स्पेशली डेडिकेटेड फॉर कपल, सो आई वुड रियली वांट दैट आई शुड ऑर्गेनाइज समथिंग रियली स्पेशल फॉर माय गाय. मैं जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके, आप जैसे आपने बताया कि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत है आप ज़्यादा, तो हम सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप उस मोड पे आ चुका है जहाँ शादी की कुछ प्लानिंग. Oh my God, अभी तो बिल्कुल सही है. बिकॉज फॉर हिम प्लस फॉर मी बोथ ऑफ अस लाइक गिव द करियर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज हम लोग बीच में अंडरस्टैंड लेवल है कि हम लोग एक दूसरे को वेट कर सकते हैं, बट या अगर हमें लगेगा कि फैमिली प्रेशर है या कुछ हो तो वी वोंट माइंड गेटिंग. आई थिंक अभी हम दोनों को अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए. मियाँ के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, मेरे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, और मैंने रियलिटी शोज कर लिया है. अब आई एम ट्राइंग मोर फॉर फिक्शन, और उसमें थोड़ा अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ. और वैसे मियाँ के लिए भी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऑफर्स मौजूद हैं, तो अभी हम लोग यू नो इन करियर में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं. और मेरे हिसाब से शादी ऐसा कोई ठप्पा नहीं है कि जो आपको स्टाम्प पेपर पे या सर्टिफिकेट पे लाके इकट्ठे रहती. आप देखिए ना ऋतिक रोशन की शादी, आप देखिए ना अदुना और फरहान की शादी, क्या गारंटी थी, किस बात की गारंटी थी. तो एटलीस्ट आप प्यार से एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हो, चाहे वो अच्छा मोड़ हो चाहे वो खराब मोड़ हो, इससे बेहतर चीज़ क्या होगी जिंदगी में. मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि मियाँ से कभी कोई गलती हो जाए तो वो आके बता दें मुझसे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी के बीच कोई भी बातें हो जाए, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की. अगर आप बैठ के उसके बारे में बात कर लो तो शायद वो बात कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी. हो सकता हो चंद लम्हों के लिए मुझे गुस्सा है, हो सकता है चंद लम्हों के लिए इन्हें गुस्सा है, बट जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी को अपना समझते हो, तो बाकी सारी भूल चूक माफ़ हो जाती है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे वो ये कि आई कैन नॉट शेयर हिम विद एनी गर्ल, ताकि कहीं भी जाते स्पेशली लड़की के साथ, ही शुड रियली इन्फॉर्म मी कि बेबी आई एम गोइंग हियर एंड देयर, दो आई डू हैव ट्रस्ट नॉट, बट व्हेन अ जे फैक्टर्स होते हैं. नहीं स्पेस देती हूँ, बदल भाई क्या हर लड़की में वो होता ही होता है यार, वो चीज़ मेरे अंदर भी आई का, तो मैं स्पेस देती हूँ बट स्टिल टू अ लिटिल इनसिक्योर याद आते हैं, तो वो भी प्यारी है. सबसे बड़ी बुराई क्या है जो आप कहते हैं, ये सबसे बड़ी ये बहुत इजीली ट्रस्ट कर जाते हैं सीरियसली. ये इनफैक्ट अगर आप एक चैप्टर अपने बारे में खोलोगे, ये अपने पूरे सब कुछ खोल देंगे, एंड ही विल गोना गिव ऑल हिज लाइक बेस्ट, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या फिर कॉन्टैक्ट से कुछ भी हो. सो आई रियली वुड वांट दैट ही शुड वर्क आउट ऑन दिस, बिकॉज आज के समय में आपको पता है ट्रस्ट कर रहे समथिंग रियली बिगेस्ट फुलिश थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या सेंचुरी आप बोलोगे, क्योंकि आजकल भरोसे लायक हर कोई नहीं होता. धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर विशेस, थैंक यू.